हेलो दोस्तों, ये मर्सिडीज बेंज है S350 2009 V6 इंजन है। ये क्रैंक हो रहा है लेकिन इसको स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन घूम रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको हमने चेक किया, इसका फ्यूल पंप के अंदर लापड़ा था। तो अभी हम आपको लोकेशन बताएंगे कि इसका फ्यूल पंप का लोकेशन किधर है। आइए देखते हैं। तो ये ड्राइवर साइड का पीछे वाला डोर है, यहाँ के ऊपर इसके फ्यूल पंप का वायरिंग है। ये ड्राइवर साइड सीट है, इसके पीछे है ये पैसेंजर वाला सीट है, लेकिन ड्राइवर साइड के पीछे ये पैसेंजर का सीट है, ये ड्राइवर का सीट है। इसके पीछे जो सीट है यहाँ के ऊपर, यहाँ पे फ्यूल पंप का वायरिंग है, तो ये फ्यूल पंप के वायरिंग यहाँ पे फिक्स है, लेकिन फ्यूल पंप यहाँ पे नहीं है। फ्यूल पंप का वायरिंग टैंकी से होके दूसरी साइड के ऊपर है, वहाँ वो सीट के नीचे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे और इसको खोलेंगे कैसा। ये सीट को, ये इसके लॉक है, सीट को निकालने के लिए ये लॉक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सीट है, इसमें मोटर लगे हुए हैं। ये डोर के अंदर इसका कंट्रोल है, तो ये लॉक है। इसको ऐसा प्रेस करके सीट को एक तरफ से निकालो, बाद में ये दूसरा वाला प्रेस करके सीट को दूसरी साइड से निकालो, तो आराम से ऊपर खींच के निकल जाएगा। तो ये फ्यूल पंप का वायरिंग है। सबसे पहले वायरिंग चेक करना चाहिए, अगर वायरिंग सही है, इसमें करंट आ रहा है, तो फ्यूल पंप यहाँ के ऊपर है। पंप ये दूसरा साइड, तो ये जो है पैसेंजर साइड सीट के पीछे है, यहाँ के ऊपर फ्यूल पंप है, वहां पे और उसका वायरिंग लगा हुआ है। तो वायरिंग टैंकी में से होके यहाँ पे आया हुआ है, तो इसके अंदर जो आता है फ्यूल पंप आता है। ठीक है, ये 10 नंबर के बोल्ट है, ऑलरेडी हमने फ्यूल पंप निकाल के रखा है, लेकिन आप लोगों को लोकेशन बताएंगे, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत हार्डली है, क्योंकि वहाँ पे वायरिंग है। आदमी का टेक्नीशियन समझते वहाँ पे फ्यूल पंप है, वहाँ पे नहीं है। फ्यूल पंप इसका इस साइड में है, पैसेंजर साइड के पीछे। Thank you for watching.